हेलो एक्सक्यूज मी, ये बुल्ली पटियारे का महल कहाँ है? नहीं बताओ है? रूस रही है तो हम देख लेंगे। हाय दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं बुल्ली पटियारी के महल, जो कि है करोल बाग में, हनुमान मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे ही है, वहां से 200-300 मीटर। आज है हमारे साथ महारानीश भाई, ठीक है, और हमारी मैडम है यहीं पे, थोड़ा मेकअप रेडी हो रही थी आज, ठीक है। तो ये देखो मेरे पीछे है, ये है बुल्ली पटियारी का महल, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है बुल्ली पटियारी का महल, जो अब तो बिल्कुल ही वीरान पड़ा है, यहाँ आसपास में भी कोई नहीं है। ये देखें, एक गार्ड तो शायद यहाँ होना चाहिए, क्योंकि गेट है, ये लोग होता है शायद। तो चलो अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है ये। भाई तो बिल्कुल ही वीरान पड़ा है। ओ भाई हवा चल गई। भाई ये देखो देखो, वो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल उसी के पीछे है। तो भैया ये जो पीछे हैं, ये एज ए फ्रिज यूज होते थे, तो अब हम इनके अंदर चल के देखेंगे कि ये फ्रिज किस टाइप से यूज होते थे। अच्छा यही है। अनिश कहाँ मिला वहाँ? कुछ नहीं, बस ये फ्रिज बना रखे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे हैं, 220 लीटर के, 220 लीटर के, 220 लीटर। वहाँ भी देख लेते हैं क्या है भैया, इतने सारे फ्रिज हैं, फिर बीच में इसमें क्या है? कुछ नहीं, ये फ्रिज तो छोटे छोटे हैं, देख खंडर हो रखे ना, असल में कुछ चीजें सारी टूट गई, समझ भी नहीं आती। भाई देख लो, ये एक्स दिख रहा है, यहाँ है कैमरा तेरा, यहाँ जाना मना है, मना मना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ये फ्रिज थे छोटे छोटे, उस टाइम शिकार के टाइम कुछ मांस वगैरह जो भी जानवर मारा वो रखने के, एक वहाँ, ठीक है, एक वहाँ, तो मतलब टोटल इस दीवार में 4-5 हैं। बहुत मोटी दीवार है तो ये ठंडी रहती हैं चीज़ें, और कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी वीराना पड़ा है, बंजर सा है। तो देख लो भाई, यही है बुल्ली पटियारी का चौतरा, थोड़ा महल दिखा देंगे ऊपर कैसा क्या है। चलो, और यहाँ एक बंदा मुझे आया भी था बताने के लिए, कह रहा भाई मैं वहाँ फोटो खींच गया शाम को, और मैं घर जाके देखा फोटो में पीछे कोई था, मैंने दिखा, कह रहा अच्छा यहाँ खाली फोटो की थी, पर घर जाके देखा तो फोटो में कुछ दिखा, हाँ शाम के टाइम। अच्छा हाँ, मैं चला गया हूँगा जब ताला, फिर ये सामने वाला जो है जो गेट है ये है क्या मतलब? ये सर वो जो बोलते हैं उस टाइम पे फ्रिज, ये ठंडा रखने के लिए, वो देखो मेरा पानी वहाँ अच्छा रखा है, ठंडा रहता है, चूने का बना हुआ ना, वैसे चूने का बना हुआ, ये जो राजा शिकार करके मांस वास रखता होगा ना, ठंडा खराब ना हो, खराब ना हो, और वो सामने वाला वो भी सब एक जैसे ही। अच्छा फ्रिज के तौर पे यूज किया जाता है, और रहने का कुछ नहीं था, रहने के लिए ये था ना महल, अब वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना, बेसमेंट में था, वहाँ पर आप चलिए ना इसकी छत ऊपर घूमेंगे तो आपको पता लग जाए। तो भाई चलो अब बुल्ली पटियारी के महल की तरफ चलते हैं, कैसा है। तो फिर एक चबूतरा सा आ गया भाई, अरे महल महल में कमरे नहीं है क्या, ये कमरे में ही रहते ये। ये और देख लेते हैं भाई ये क्या चीज है आगे, ठीक है, अभी हमने देखा वहां अंदर कोई गया, परछाई गई है, हो सकता है कि ये आ गई, ना 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 ये तो हमारे वाली फैमिली भूत है। ये क्या भैया? कुछ नहीं यार,
ये देख लो परछाई में, ये रहा भूत। कुछ ना भाई, कुछ नहीं है, धोखा खाकर मत आइयो मेरी तरह कि भूली भटियारी का महल है या कुछ है। यहाँ कुछ नहीं है। कौन बैठी तो ये है भूली भटियारी का महल। ये महल वैसे बंद हो चुका है, हम अभी फिलहाल इसके टेरेस पर खड़े हैं। ये राजा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था पर्टिकुलरली शिकार के लिए। वो शिकार करके आते थे और फिर यहाँ पर आके अपना शिकार किया हुआ सामान, यहाँ पे जो बनाए हुए रेफ्रिजरेटर्स हैं हमने आपको अभी दिखाया था, वहाँ रखते थे। एक दिन अनफॉर्चुनेटली शिकार करके आने के बाद राजा ने अपनी रानी को किसी और के साथ देख लिया, अपने किसी लवर के साथ देख लिया, तो गुस्से में उन्होंने अपनी रानी और उसके आशिक को दोनों को वहाँ चुनवा दिया, दीवार में चुनवा दिया। भाई अनीश भाई है, इसके बेसमेंट में जानती खड्डा खोद दिया है। अनीश खोद दिया भाई पूरा, बहुत भारी पत्थर है भाई। ये सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, कृपया आप यहाँ से हट जाएं। अरे भाई बहुत भारी, देखिए एक छेद दिखा है, रास्ता नहीं है, देखिए एक छेद दिखा है, इसमें दिखा कुछ कुछ नहीं दिख रहा। आजा भाई, आजा, बहुत चोर है, लेंटर दे रखा है, ठीक है। ये लास्ट था भाई, इसके चौकर देखा, जंगल जंगल है और कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई। भाई देखो वो देखो PCR, उन्होंने हमें बाकी वीडियो बनाने दी, कह रहे कि ये रोड बंद है, ठीक है, ये महल बंद है, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन्होंने हमें बीच में ही बोल दिया टाटा बाय बाय, तो इसके समय वापस जाना पड़ रहा है। बाकी हमने सब कुछ आपको दिखाई दिया, तो देखने लायक था कुछ था नहीं, ठीक है, पर जैसे हमने यहाँ एक भाई साहब हैं उनसे बात की, तो वो कह रहे कि भूली भटियारी की आत्मा यहाँ, मतलब जो भी है थोड़ा सा रूह का वो है, हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। बाकी उन्होंने कहा कि एक दो इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे, तो चलो मान लेते हैं उनकी बात, पर हमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं। बाकी भाई बात ऐसी है, आना भी हो तो आना सर्दियों में, गर्मियों में तो भूली भटियारी के महल भूले बिसरे भी मत आना, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, अब हम मिलेंगे आपको किसी दूसरी वांटेड जगह पे।